छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस ने कई बार और रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई की है। दरअसल यहां के वीआईपी रोड स्थित बियर बार में एसएसपी संतोष सिंह सिविल ड्रेस में पहुंचे। ग्राहक बन मेन्यू देखकर उन्होंने शराब का ऑर्डर किया। सादे ड्रेस में पहुंचे एसएसपी को बार संचालक पहचान नहीं पाए और उनके द्वारा ऑर्डर दिए जाने पर ड्रिंक सर्व कर दिया। इसके बाद एसएसपी के इशारे पर बाहर खड़ी पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई की गई। निर्धारित अवधि से अधिक समय तक संचालित कैफे और रेस्टोरेंट के खिलाफ भी एक्शन लिया गया। दरअसल लंबे समय से ढाबों में अवैध रूप से शराब बेचे जाने की शिकायतें मिल रही थी। इस पर एसएसपी जांच करने खुद निकल पड़े। एसएसपी संतोष सिंह देर रात 1 बजे ग्राहक बनकर कई रेस्टोरेंट में सिविल ड्रेस में पहुंचे। उन्होंने वहां ऑर्डर देखकर शराब मंगवाई। ऑर्डर पर शराब सर्व करते ही अपनी टीम से कार्रवाई करवाई। सिग्नल पाते ही एएसपी लखन पटले, सीएसपी मणिशंकर चंद्रा पुलिस फोर्स के साथ अंदर घुस गए। राजधानी के कई ढाबों, कैफे और रेस्टोरेंट पर कार्रवाई की गई। किचन से लेकर गोदाम तक पुलिस ने तलाशी ली तो शराब की कई बोतलें बरामद हुई, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया है। चेकिंग अभियान के दौरान अवैध रूप से शराब के साथ और सार्वजनिक रूप से शराब का सेवन करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। कुछ आरोपियों के खिलाफ कोटपा एक्ट और 6 के खिलाफ प्रतिबंधात्मक धाराओं में भी कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान पुलिस पिंटू ढाबा, पाजी द पिंड, सरदार द किचन, लिविंग रूम कैफे और द बर्न हाउस कैफे की जाँच के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 32 पौवा देशी शराब, 8 लीटर अंग्रेजी शराब, 13 लीटर बियर, 1 किलो तंबाकू, 3 हुक्का पाइप और 3 हल्का पॉट जब्त किया गया है। एसएसपी संतोष सिंह के निर्देश पर मैनेजर के साथ मालिकों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा आबकारी विभाग को भी लाइसेंस कैंसिल करने के लिए पत्र लिखा गया है। माना इलाके में एरिया 36 और द बर्न हाउस नाम के रेस्टोरेंट और कैफे हैं। यहाँ लंबे समय से शिकायत आ रही थी कि यहाँ अवैध तरीके से शराब और हुक्का पिलाया जाता है। इस बात को कंफर्म करने के लिए एसएसपी खुद यहाँ पहुँचे और मैनेजर और स्टाफ को रंगे हाथ पकड़ा। पुलिस ने एरिया 36 के मैनेजर कामता कश्यप को अवैध शराब के साथ पकड़ा है। वहीं द बर्न हाउस कैफे में आरोपी सूरत जटवार को शराब और हुक्का के साथ गिरफ्तार किया है। तेलीबांधा में स्थित होटल द लिविंग रूम कैफे के संचालक प्रियदर्शनी नगर निवासी राहुल धुप्पड़ को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसी इलाके में स्थित बबलू ढाबे के पास एक आरोपी अमनदीप को प्रतिबंधात्मक धाराओं में गिरफ्तार किया गया है। मंदिर हसौद के पिंटू ढाबा होटल के मालिक जितेंद्र सिंह निवासी शंकर नगर को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसी इलाके में अभिषेक अग्रवाल को भी शराब पीते पकड़ा गया है। पुलिस ने होटल पाजी द पिंड के संचालक मंजीत सिंह पर भी एक्शन लिया है। राजेंद्र नगर स्थित होटल सरदार द किचन के पास विवाद करते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के नाम आकाश ध्रुव, प्रफुल्ल भोयर, अनिल खूंटे, मुकेश दास और पी शिवाराम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनपीजी न्यूज़।